नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं एक बहुत जरूरी निवेदन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, पूरे बिहार की जनता के लिए। ये मंदिरों में जो भीड़ भाड़ होती है, हजारों सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। ये कोरोना कोई मामूली चीज नहीं है, ये महामारी है और पूरे विश्व में इसका आतंक व्याप्त है। बिहार अभी तक बचा हुआ था, लेकिन ये कोरोना के इस चरण में बचा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग बचा सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहें और थोड़ा अनुशासन, धैर्य, मर्यादा के साथ विवेक से निर्णय ले तो निश्चित रूप से हम इस सूबे को बचा सकते हैं और देश को इस संकट से निकलने में बहुत मदद कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ होती है, कम से कम 31 मार्च तक के लिए इन मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दें। नियमित पूजा आरती हो, जो वहां के पुराहित पुरोहित हैं वो करें, पुजारी हो वो करें, लेकिन सामूहिक आरती, सामूहिक पूजा, सामूहिक अनुष्ठान और सामूहिक दर्शन का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बिहार में गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति का अध्यक्ष हूं, 2 वर्ष पहले इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ है, तो तकनीकी रूप से आज भी मैं उसका अध्यक्ष हूं। तो उस हैसियत से मैंने गरीबनाथ मंदिर को 31 मार्च के लिए बंद कर दिया। मैं सोनपुर में ऐतिहासिक मंदिर हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति का भी अध्यक्ष हूं, मैंने उस मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए कल ही से बंद कर दिया। और इसी के कणकण में आप जहां हैं वहीं से आप भगवान को याद करें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, लेकिन सामूहिक रूप से भीड़ लगा करके कहीं मंदिर में ना जाएं और सामूहिक कोई धार्मिक अनुष्ठान ना करें। चैती रामनवमी का छठा गया अब ये शुरू होने वाला है, इसमें लाखों की संख्या में भीड़ होती है। मैं तमाम माताओं से, बहनों से, श्रद्धालुओं से सबसे अनुरोध करूंगा कि देश पर ये और पूरी दुनिया में ये जो संकट खड़ा हुआ है कोरोना का, उसको देखते हुए छठ अपने घर में करें, बिल्कुल सामूहिक छठ का परित्याग करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाए, न छठ व्रत का अनुष्ठान कर, अपने घर में छठ मना लें, घर में पूजा कर लें, उसका भी पुण्य उतना ही है, उसका भी फल उतना ही है। लेकिन संक्रमण से, भीड़ भाड़ में संक्रमण का बहुत खतरा है और संक्रमण से ये महामारी फैलती है, तो इसको बचाना है, इससे बचना है। तो तमाम यज्ञ का कार्यक्रम, प्रवचन का कार्यक्रम, नाटक का कार्यक्रम, सामूहिक कोई ड्रामा का कार्यक्रम, सामूहिक पार्टी का कार्यक्रम, सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम, सामूहिक रूप से मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम बिल्कुल बंद कर दें 31 मार्च तक बिल्कुल। क्यों? देखिए, सिद्धि विनायक मंदिर बंद हो गया, तिरुपति भगवान बालाजी तिरुपति के दर्शन होते थे वो बंद हो गया, वैष्णो देवी मंदिर, जितने बड़े बड़े देश के मंदिर हैं बंद हो गए और बिहार में भी बड़े बड़े मंदिर सब बंद हो गए, तो उसको बंद कर दें 31 मार्च तक। और इसमें प्रशासन और जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो कहते हैं, उनकी सलाह मांगने, ये देश की बड़ी सेवा होगी, सबसे बड़ी सेवा इस संकट की घड़ी में। जात से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर, दल, पार्टी, हर तरह के छोटे छोटे जज्बात से ऊपर उठकर देश को इस संकट से निकलने में मदद करें, कोरोना का संक्रमण रोकने में मदद करें। ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है, सबसे बड़ी देशभक्ति है, सबसे बड़ी वतन परस्ती है और सबसे बड़ी मनुष्य की सेवा है। अब इसी तरह से आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का निवेदन किया है कि जनता खुद ही कर्फ्यू लगाए और कोई सड़कों पर ना निकले आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि 7 से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू रहे, लेकिन 9 बजे के बाद भी सड़कों पर नहीं निकले। पूरा रात का हो जाता है तो संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी और कोरोना के वायरस जो हैं वो बहुत नष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, विवेक से काम लें, धीरज से काम लें, भावुकता में नहीं आए, इमोशन में नहीं आए, किसी के बहलाने, फुटलाने, भड़काने में ना आए, अपने विवेक से, अपने संयम से ये निर्णय लें कि हमको जनता कर्फ्यू का जो समय निर्धारित है 7 से 9 बजे रात, उसके बाद भी हम रात में उस दिन कहीं नहीं निकलेंगे और हम कोई धार्मिक अनुष्ठान
नहीं करेंगे, सामूहिक अनुष्ठान नहीं करेंगे और कहीं भीड़ भाड़ जगह पर हम 31 तारीख तक नहीं जाएंगे। कम से कम लोगों से मिले, कम से कम मूवमेंट करें, अगर इतना हम लोग बचा लेते हैं तो इससे बड़ी आज की तिथि में, आज के डेट में इससे बड़ी देश की कोई सेवा नहीं। मेरा आप लोग बहुत प्रणाम।